अबाई पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़या होने पर एक ख्याली और दिमागी फ़ज़ा का मसहूर एहसास दिलाते हैं। इर्द गिर्द के ज़रखेज़ नशीबी मैदानों और दिलफरेब मनाजिर को देखकर एक अजीब तमानियत महसूस होती है। इतनी बुलंदी और गोशे तन्हाई के रोमांसी माहौल में ऐसी अजीमुशान खानकाह की तामीर पर इसके मुअज्जिदों की अपनी मज़हब से गहरी लगन और फ़नी तामीर में महारत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये आसार कदीमा 98 एकड़ रकबे पर फैले हुए हैं और सतह समंदर से बुलंदी 1600 फिट है, जबकि मरकज़ी खानकाह पार्किंग से 215 फिट बुलंदी पर वाक़ कंडरात को पहाड़ की कानकनी से पैदा होने वाले नुकसानात के सदबाब मुमकिना तजावजात की रोकथाम और कुदरती माहौल को यकीनी बनाने के लिए तमाम पहाड़ी सिलसिला को आसार कदीमा का मखसूस इलाका करार दे दिया गया है। इन कंडरात का पहली दफा जिक्र रंजीत सिंह की हुकूमत के फ्रांसीसी ऑफिसर जनरल कोट ने 1836 में किया। 1869 से 1872 तक बुतों की तलाश के सिलसिले में गैर मुनज़्ज़म तरीके से खुदाई की गई, जबकि आसार कदीमा के पहले डायरेक्टर जनरल सर अलेक्जेंडर ने इन कंडरात का 1873 में दौरा किया। पहली बाकायदा खुदाई डॉक्टर डीवी स्पूनर ने 1907 से 1909 के दौरान की और पिशावर म्यूजियम को ये एजाज हासिल है कि इसमें मौजूद नवादरात और मुनफरद हैसियत के हामिल और काफ़ी मकदार में हैं। तखबाई के कंडरात जिन इमारात पर मुश्तमिल है, इनमें बड़ा स्टूपा, छोटे स्टूपे, स्टूपों के गिर्द गुर्द रखने के कमरे, खानका मराकबा के लिए तारीख तहखाने, दीवान आम, तामगा, बावर्ची खाना, राहिबों की रिहाइश का रिहाइश गाहें, ढकी हुई गुजरगाहें और कई मंजिल रिहाइशी और गैर रिहाइशी इमारतें ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। इन इमारत की तर्ज तामीर के मुताले से मालूम हुआ कि कंडरात पहली सदी कबल मसीह से 7वीं सदी ईस्वी के ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं। इन कंडरात को तारीखी, मजहबी और नुमाया पनी तामीर की बदौलत 1916 में सरकारी तहवील में लेकर महफूज आसार कदीमा करार दिया गया, जबकि 1980 में यूनेस्को ने इसको आलमी विरसा में शामिल कर लिया। महकमे आसार कदीमा इन कंडरात की मुनासिब देखभाल और तरक्की के लिए कोशा हैं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इन कंडरात की ज़रूरी मुरम्मत और तरक्की के लिए कोशा हैं। मकाम बुद्ध मत की यहाँ कदीम तहजीब व तमद्दुन तर्ज रिहाइश के बारे में नहायत मुफस्सल मालूमात व शवाहिद फराहम करता है।
इस गांव की बुनियाद एक कदीम कस्बे की बाकियात पर रखी गई थी। वो बाकियात आज भी उम्दा हालत में देखने वालों के लिए इल्म आगाही की फराहमी का जरिया है। यहाँ पाए जाने वाले कदीम जमाने के सिक्कों से पता चलता है कि यहाँ बुद्ध मत और हिंदू नस्ल के लोग आबाद थे। यहाँ तामीर की गई इमारतें जो राहिबों के लिए बनवाई गई थी हर लिहाज से तमाम तर ज़रूरियाती ज़िंदगी से आरास्ता थी। पहाड़ी के ऊपर रहने वालों के लिए भी फराहमी आपका इंतज़ाम था। इमारतों की दीवारों में हवा की आमदोरफ्त के लिए रोशनदान और रात में तीर के चराग रोशन करने के लिए ताकें भी बनाई गई थी। खुदाई के दौरान यहाँ जो चीज़ें दरियाफ्त की गई हैं इनमें बुद्ध मत की इबादत गाहें, सूमा इबादत गाहों के खुले सहन, जलसा गाहें, बड़े बड़े इस्तादा मुजस्मे और मुजस्मों के नक्श नगार से मुजयन बुलंदोबाला दीवारें शामिल है। पहली मरतबा तख्तबाई की तारीखी हैसियत की तरफ तवज्जो 1836 में फ्रांसीसी अफीसर जनरल कोर्ट मार्शल ने मबजूल कराई थी, जबकि तहकीक और खुदाई के काम का आगाज 1852 में शुरू किया गया।